मैंने क्या कहा, ये फिलिपियों 2:13 का जो वचन है, आज मैं अपनी प्रेयर में इस वचन को एवरी डे बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं अपनी प्रेयर में एवरी डे इस वचन को बोलता हूं कि परमेश्वर अपनी भेद की सु इच्छा के उस नए काम के आराध्य को मुझ में ढाल। हाँ, क्योंकि ओरिजिन ट्रस्ट में लिखा वो ढालता ही रहता है। हाँ, अपने उस कामों को करने के लिए अपने लोगों के मन में वो ढालेगा। क्या करेगा? अच्छा, परमेश्वर डालेगा, आप वो चीज करोगे, ऐसे होंगे काम। कैसे होंगे काम? ऐसे। उच्चा तारीफ करो सर शक्तिमान, क्योंकि वो हमारे बीच है। मैंने कहा वो हमारे बीच है। अगर आज आपका भरोसा उस पर, उसके वचन पर है, तो हर चीज वो करेगा। आज से आपने रोज प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? आज से आपने रोज प्रार्थना करनी कि परमेश्वर अपनी शुभ इच्छा मुझमें डाल। तेरी क्या इच्छा, तू क्या चाहता है? जैसे यीशु मसीह ने कहा, हो सके तो ये मौत का प्याला टल जाए, पर तेरी इच्छा क्या हो। एक उसकी शुभ इच्छा और एक इच्छा है। जैसे यीशु ने किसकी इच्छा को पूरा किया? अगर उसने ऐसा किया तो लिखा परमेश्वर ने उसे अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों से क्या था, उत्तम। और वही नाम आपको भी मिलने वाला है इस दुनिया में यीशु मसीह के नाम से। मैंने क्या कहा? आपको भी वो नाम मिलने वाला है, पर कब मिलेगा? जब आप ऐसे करोगे, शरीर में रहकर नहीं। कैसे? शरीर में रहकर नहीं। हाँ, भाई ने अच्छा किया, पहले 10 गज भी नहीं जगह दे रहे थे, मन अच्छा किया, मन खराब नहीं किया, हमने उत्साहित किया, प्रार्थना की, फिर फादर साहब 1 किला जमीन देने के लिए तैयार हो गए। कैसे? पहले एक, फिर और हमने उत्साहित किया, आरास अपनी बड़ी गवाही से आई कि 3 किले मेरे फादर साहब ने मेरे नाम पे लिख दी। ऐसा हर एक के साथ होने वाला है। मैंने कहा ऐसा हर एक के साथ होने वाला है, इसलिए उसे जानो वो कौन है। वो सच्चा ईश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर, वो एक ही परमेश्वर, उसके अलावा इस दुनिया में कोई और ना। उसने कोई धर्म बनाया, ना उसने कोई जात बनाई, ना उसने कोई मजहब बनाया। ये कहते हैं ना, मैं हिंदू थी, ना उसने कोई मजहब बनाया, ना उसने जात, ना उसने कुछ धर्म, समझ रहे हो? इसलिए आप किसके पास आए हो? आप किसके पास आए? आपको पता होना चाहिए जिसके पास मैं आई हूं, मैं आया हूं, वो सच्चा ईश्वर है। इसलिए अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो इन सब बातों के लिए, आज के वचन के लिए, क्योंकि इसमें आपकी सब प्रॉब्लम, आपकी मुश्किलों का हल है। इसलिए मांगो कि खुदावंद, जो तेरे दास के जरिए आपने मुझे आज सिखाया, आपने मुझे समझाया, मेरे परमेश्वर निश्चय और मेरी जिंदगी में भी अपनी शुभ इच्छा को डालो। रोज रोज प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपनी शुभ इच्छा को डालो। मांगो खुदा से, जैसे अपने दुनिया अपने दास दानियल के ऊपर उस राजा की बात का खुलासा किया, आज परमेश्वर हमारी मुश्किलों का, हमारी मुश्किलों का, जो हमारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन, जो हल है, उसका खुलासा कर। परमेश्वर हम पर भी खुलासा कर, दानियल के जैसे हम पर खुलासा कर। मांगो खुदा से, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है बाइबल में लिखा जो परमेश्वर से नहीं हो सकती। और विश्वास करो, जैसे दानियल ने कहा कि आप मुझ में इस बात का खुलासा कर चुके। मांगो खुदा आज हम पर अपौताइत से हर चीज को प्रकट कर चुके यीशु के नाम से, आमेन। आज की मीटिंग में आपके लिए एक प्रॉफिट वर्ड है। क्या है आज? आज की मीटिंग में आपके लिए एक प्रॉफिट वर्ड है आपके लिए, क्या से अपने अपनी प्रार्थना में परमेश्वर की शुभ इच्छा को मांग। जितने लोगों के मन में अपनी परमेश्वर जब शुभ इच्छा डाले, तो मुझसे जरूर मुझे बताना कि परमेश्वर ने मुझे क्या कहा करने के लिए, बोलो। और देखना आपके रास्ते कैसे खुलेंगे।
मैंने क्या कहा, देखना आपके रास्ते कैसे खुलेंगे। अभी जो शरीर में उसे क्या पता, वो तो शरीर पर ही मन लगाकर रखेगा। मैं कहता हूं देखना आपके रास्ते कैसे खुलेंगे। इसलिए आज से ऐसे प्रार्थना करना, तो कि परमेश्वर आपको बरकत दें।